इसार के जज्बे से लबरेज बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े इज्तमात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के साथ नवाब शाह में नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज अदा की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ो अकारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं। वज़ीर आला के पी अलयमीन गंडापुर ने जी आई खान में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची ने डेरा बुगची में ईद की नमाज अदा की। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आवाम का जम्मे गफीर आया। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और मंसूरा में बड़ी तादाद में शहरी आए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, गजा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें दो पैगम्बरों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की याद दिलाती है। आजमाइश में साबित कदम रहना और अल्लाह ताला की इताअत ही कामयाबी की कुंजी है। पूरी कौम अख़ुवत, इसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बा पर अपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तेआत नहीं रखते, आपस में इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल को टाल दे। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। यतीम और गरीबों की ईद की खुशियाँ, शहर शहर, नगर नगर, गली मोहल्लों में जानवर की कुर्बानी जारी। किसी ने बैल गराया, किसी ने बकरे को ज़िबा किया, कहीं छतरे कुर्बान तो कहीं दुम्बे की कटाई जारी। ऊंट को ज़िबा करना कसाबों के लिए चैलेंज बन गया। पहले बुकिंग ना करवाने वाले इंतजार की सूली पर लटकने लगे। कसाईयों ने एक के बाद एक शेरी को लारे लगा रखे। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के तहत इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला अरूज पर। ईद के तीनों रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। उधर कराची में गाय की टक्कर से शहरी जान से हाथ धो बैठा। जानवर रस्सी छुड़ाकर भागा, मालिक ने पकड़ने की कोशिश की, टक्कर लगने पर जान से गया। और लोग भी ये दुआ करें कि आप मुल्क जो है वो किसी हादसे से दो चार ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि 16 माह के दौरान जो है वो IMF की शायद ज़्यादा सख्त थी, अब उनके मुकाबले में अब कुछ कम है। अगले साल शायद बिल्कुल ही हम आज़ाद हो जाएं और ये प्रोग्राम जो हम लेने जा रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम हो और फिर हम अपनी मर्जी से जो है वो बजट बनाएं। हम दुआ करें अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। जब भी नून लीग ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हर दफा साजिश की गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरबराह JUIF जमहूरियत पसंद लीडर हैं, लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का असर लेंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ 100% हैं। ऐसा नहीं कि बजट में PP से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न, बेहतरी के सम्राट आवाम तक पहुँच रहे। उम्मीद है रवा माली बजट से मुल्क मौशी बहरान से निकल आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटर्न मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पर अमल किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे ही ताल्लुक है, दोस्त हैं, बल्कि सरायकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं। नून लीग और PP में इख्तलाफ, चेयरमैन सेनेट ने बुनियादी वजह बता दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा,
तहफ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी माहदे पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो नून लीग से एग्रीमेंट पर अमल दरामद चाहते हैं। अलग सूबे से मुतालिक शरायत माहदे में मौजूद थी। मौलाना फजल रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी लगते हैं, जब वो मुल्तान में होते हैं तो अपने लगते हैं। उधर मौला बख्श चांडियो का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। हैदराबाद में पीपी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती, बानी पीटीआई से बातचीत होना कोई अनहोनी बात नहीं। शहबाज शरीफ की नीयत में शक नहीं, मगर हिजब इख्तलाफ को बढ़ाने के और बिठाने से गुरेजा ना हो। अकेला कोई भी तुरम खान नहीं बन सकता, मसाइल के हल के लिए पहल करें। हालिया सूरतहाल से इदारों को नुकसान हो रहा। बिलावल भुट्टो हर वक्त बातचीत के लिए आमादा हैं। तहरीक इंसाफ जिनसे बात करना चाहती है वो मेरे बस में नहीं। मजीद कहा, जरूरत की चीज़ों को टैक्स से बख्श दें, ये कोई हिकमत अमली नहीं। मैं वजीर अजम साहब से भी कहता हूँ, वजीर साहब आपकी नीयत में शक नहीं है, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिठाएं, आप बातों की मुखालफत ना करें, आपको पहल करनी चाहिए। मैं खान साहब के लिए भी कहता था, अभी आपके लिए भी कहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, आप हुकूमत में हैं, आप सियासी पार्टियों को बिठाएं और पाकिस्तानी कौम के मसाइल का हल ढूंढें। यकीन जानिए, अकेला कोई भी तुरम खान नहीं बन सकता। ईद के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। मुज़ाकरात में कुछ गैप है, वो भी दूर हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुर उम्मीद एसओएस विलेज का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में बोले, पीपी के विफाक से तहफ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके, पंजाब में मामला हल हो जाएंगे, नून लीग को सिंध में उनका हिस्सा जरूर मिलेगा। आज ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पे तमाम आलम इस्लाम उन सबको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की, कि जो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगी और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, तो अगर वो है तो वो गुनाह मांग सकते हैं। पीटीआई पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले, गलती पर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान है तो हम है, कुछ लोगों के लिए लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। विफाक की जानिब से दीगर सूबों के मुकाबले सिंध को कम हिस्सा मिल रहा। एमकेएम सियासी बयानात देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही, कोशिश है किसी सियासी जमात के लिए कोई मनफी बात ना करूँ। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। के हालात आपके सामने हैं, 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया, 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया, लोगों की कमर टूट चुकी है। और ये दो तीन दिन ईद के गुजर जाएं, छुट्टियां गुजर जाएं, आप देखें कि कोई फीस नहीं दे सकता। कोई बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, बिजली का बिल नहीं दे सकता। बिजली का बिल 24 करोड़ आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटका दिया गया है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसला हल नहीं हो रहा, लोग सड़कों पर आएंगे। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद की ईद पर बड़ा सियासी दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं, मुल्क आवाम से होता है, किसी एक फर्द से नहीं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं ढेला, करते हैं मेला मेला। चीन ने मुझे कहा कि सब खल्लास, हुकूमत ने आवाम पर खरबों रुपये के टैक्स लगा दिए, शहरियों को बिजली की नंगी तार पर लटका दिया गया, 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। पाकिस्तान तरक्की की जानब गामजन, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, हमें सियासत से बढ़कर मीशत को देखना है, कौम मुतहद है, दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल फलस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं, पाकिस्तान मसाइल से बाहर निकल रहा, सही सिंध में सफर शुरू होने वाला है। उधर वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज की ईद की मुबारकबाद।
ISPR का कहना है ये मुकद्दस वाकया अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज हैं। शहदा और गाजियों की लाजवाब कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कुर्बानी का गोश्त आ गया, किचन में चूल्हे गर्म होने लगे। सबसे पहले कलेची को तड़का लगा, साथ मीठा भी तैयार। कौरमा, चांप, मटन पुलाव और बिरयानी की खुशबुएं। मर्दों की फरमाइश पर खवातीन ने दस्तरखान सजा दिए। शाम को यार दोस्तों ने बारबेक्यू का प्लान बना लिया। गर्मी के बायस ठंडे मशरूबात के दौर चलने लगे हैं। मीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सेहत के असूल हैं उनको डेफिनेटली मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुनासिब मकदार में खाएं, ठीक है, अपने जिस्म के साथ ज़्यादती ना करें। ख़ासतौर पर अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ सैलड का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ, डॉक्टर्स का शहरियों को मशवरा। कहा शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। घी और तेज़ मसाला जात के इस्तेमाल से गुरेज करें। भूख रख कर गोश्त खाएं। ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। वतन की हिफाजत के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी। हजारों फुट बुलंद पहाड़ों पर पाक फौज के बहादुर जवान मौजूद। पाक अफगान सरहद पर FC के चेक पोस्ट पर ईद के रंग। जवान फराइज के साथ ईद की खुशियां रवायती अंदाज में मनाने में मसरूफ। खुशी के रोज बड़े खाने का इंतजाम, जवानों और अफसरों ने मिलकर खाया। ईद के रोज भी गर्मी जौबन पर, सजे सवरे शहरी पसीने में शराबूर। गर्मी के सताए आवाम के लिए कल से ठंडी हवाओं की उम्मीद। महकमा मौसमियात की कल बारिश की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर और KP में बादल बरसेंगे। प्री मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। कमजोर हरीफ, छोटा हदफ, पाकिस्तान फिर भी मुश्किल से जीता। मगर अब जीते भी तो क्या फायदा, हारे भी तो क्या गम। पाकिस्तान ने होम्योपैथिक मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। टीम ग्रीन ने छोटा सा हदफ भी पहाड़ बना लिया। 107 रन का हदफ हासिल करने में 7 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का एक बार फिर फ्लॉप शो। बाबर के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। शादाब फिर 0 पर आउट। फखर 5, उस्मान 2 पर आउट। साइम, रिजवान और अब्बास ने 17-17 रन तक जान लड़ाई। बाबर ने मजाहमत जारी रखी, 32 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर आखिर नैया पार लगा दी। बाबर आजम के 2 और रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान। कौमी टीम फ्लोरिडा में ईद मनाकर आज वतन वापस रवाना होगी। मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। आवाम का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का अवामी सर्वे। 2010 अफराद की राय ली गई। सर्वे के मुताबिक 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुतमईन। 60% अफराद ने कहा मरियम नवाज की मकबूलियत में 3 माह में इजाफा हुआ। 53% ने कीमतों में कमी के इकदाम को मौसर करार दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी को सबसे पसंदीदा कदम कहा। सोलर पैनल प्रोग्राम और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे भी आवाम में मकबूल। लाहौर में जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफा 144 के तहत पाबंदी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खसूसी इजलास। मस्जिद और ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजाम की रिपोर्ट पेश। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स के इंस्पेक्शन का हुक्म। उधर कराची में आलाइशी ठिकाने लगाने का प्लान। शहर के 3 मकामात पर खंदकें खोद दी गईं। जो है, जो कि एक उसकी आमदनी अच्छी है तो वो भी वही कॉस्ट दे रहा है, और एक आदमी जो सफ़र कर रहा है जिसके लिए महीना गुजारना मुश्किल होता है उस पर भी वही सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में इसको फिलफोर इनको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। आपने उन 70% जो इदारे हैं
उन पे टैक्स लगाया तो आप समझो कि वो 70% टैक्स जो है आवाम पे ही लगेगा। मैं इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेडिकल और एजुकेशनल जो सिस्टम है ना उसको साउंड कर दे। हर चीज पे टैक्स रखा हुआ है और बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखो कैसे होगा गुजारा। सिंध में तालीम के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स की खिदमात पर 15% सेल्स टैक्स आयद। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। टैक्स माहिरीन का सिंध हुकूमत को नजरसानी का मशवरा। कहा तालीम और सेहत की खिदमात पर सूबाई सेल्स टैक्स आवाम पर बोझ बनेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी का कहना है टैक्स का बोझ मरीज को ही उठाना पड़ेगा। मौजूदा माशी हालात में आवाम तालीम और सेहत पर सेल्स टैक्स के मुतहमल नहीं हो सकते। शहरियों ने भी तालीम और सेहत की खिदमात पर सेल्स टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद भी आए तो सब याद कहां। और देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पीटीवी के पहले न्यूज़कास्टर, एंकर, ड्रामा नवीस, शायर तारिक अजीज को परे सितारों से जुदा हुए 4 साल गुजर गए। नीलाम घर शो में खैर मकदमी डायलॉग उनकी पहचान बना।